हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू शिवम मैथ्स क्लासेज। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 एपी का फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसका सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट मैंने करा दिया है, वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें दिया है राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है, एंड आर गिवेन एज फॉलो। मतलब हमें दिया है कि आप एपी के फोर टर्म्स निकालिए, जिसमें से हमें फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है और जो डी उसका कॉमन डिफरेंस है वो भी हमें दिया हुआ है। इन दोनों के हेल्प से हमें चार और टर्म्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखिए, ए हो गया हमारा 10। अब इसके आगे चार टर्म्स कौन से होंगे, मैं लिख रहा हूँ। देखिए, A1 होगा, A2 होगा, A1 ये हो गया, A2 फाइंड करेंगे, A3, A4 और A5। ये चारों के वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, देखिए। जो A2 मान लीजिए, हम पहले A2 का फाइंड कर रहे हैं, तो A2 में हम क्या करेंगे, इसके पहले वाला जो टर्म है, मतलब A2 के पहले हमारा ये है A, इसको हम A1 भी बोलते हैं, तो A1 में हम लोग D प्लस कर देंगे, ठीक है। उसी तरह जो ये A3 है, इसके पहले वाला, ठीक, पहले वाला टर्म होगा A2, अब A2 में D ऐड कर देंगे। फोर्थ टर्म है तो इसमें A3 ऐड होगा, A3 प्लस D, और जो लास्ट वाला है A5, तो इसके पहले वाला मतलब कि A4 प्लस D, ये हो जाएगा। तो जब इसका हम करेंगे तो हमारा होगा, देखिए A1 दिया है हमें 10, तो यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू 10 प्लस D है हमारा 10, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, 10 और 10 20 हो जाएगा। अब A3 फाइंड करेंगे, तो A3 में A2 दी है, देखिए A2 हमें लिखना है, तो A2 जो है हमारा आ चुका है 20, तो A2 की जगह पर हम 20 रख देंगे, और D हमारा है 10, तो ये हो जाएगा 30, समझ में आ रहा है। उसी तरह से अब यहाँ पर क्या रखना है, A3 की वैल्यू पुट करनी है, तो A3 का वैल्यू हमें मिल गया 30, तो 30 पुट करेंगे, 30 प्लस 10 ये हो जाएगा हमारा 40, और जो लास्ट वाला है फोर्थ में हमें A4 ऐड करना है, A4 की वैल्यू रखनी है, तो A4 है 40 प्लस 10, ठीक है, ये हो जाएगा 50। अब इसी तरह से आप और भी टर्म्स इसके फाइंड कर सकते हैं, A6, A7, A8, इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अब चलिए सेकेंड पार्ट में आपको बताता हूँ क्या दिया है। तो ये देखिए सेकेंड पार्ट है, यहाँ पर देखिए सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, ए दिया है हमारा -2, ए की वैल्यू -2 हमें दी गई है और डी की वैल्यू 0 दी गई है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, A1 हमारा हो गया -2 हो गया A1, तो फाइंड करना है हमें A2, A3, A4 और A5, ठीक है, ये चारों के वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, देखिए A2 का मैंने बताया है, इसके पहले वाले टर्म में हम लोग D ऐड करते हैं, तो इसके पहले वाला A1 प्लस हो जाएगा D, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 0, इसका सम करेंगे तो होगा -2, ठीक है। उसी तरह से A3 फाइंड करना है, तो A3 में क्या करेंगे, इसके ठीक पहले वाला मीन्स कि A2 प्लस D करेंगे, ठीक है। तो A2 हमारा है -2 और D भी है -2, तो प्लस और यहाँ दे दिए -2, तो प्लस और माइनस हमारा माइनस होता है, तो इसका सम करेंगे तो आ जाएगा -4। इसी तरह से A4 में हम लोग करेंगे A3 प्लस D, ये जब करेंगे तो A3 है हमारा -4, प्लस का साइन देंगे और यहाँ लिखेंगे -2, प्लस और माइनस मिलकर माइनस देगा, तो ये हो जाएगा -6। अब सिमिलरली A5 करना है, मीन्स कि A4 प्लस D, A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 प्लस यहाँ पर -2, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा -8, ठीक है। ये चारों टर्म्स हमारे पास आ, तो यही चारों हमारी आंसर हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है, चारों टर्म्स हमने फाइंड कर ली। अब चलिए चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो देखिए ये आ गया थर्ड पार्ट, इसमें ए की वैल्यू 4 दी गई है और डी की वैल्यू दी गई है -3, तो इसके अकॉर्डिंग हमें आगे 4 टर्म्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन पर। तो A4 मतलब कि हमें A1 दिया गया है 4, और क्या फाइंड करना है, A2, A3, A4 और लास्ट में A5, इन चारों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। ये A लिखा है यहाँ पर, तो इसमें क्या हो गया, A2 में मैंने आपको बताया अभी,
इसमें हम लोग करेंगे ए वन प्लस डी, ए वन है फोर प्लस डी का वैल्यू है माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा फोर माइनस थ्री, फोर माइनस थ्री क्या होगा, ये होगा वन, ठीक है। उसी तरह से ए थ्री फाइंड करना है, तो ए थ्री में क्या होगा, ए टू प्लस डी, ठीक है, इसमें ये होगा, तो ए टू का वैल्यू है वन प्लस ये हो जाएगा माइनस थ्री, तो ये मिल के हो गया वन माइनस थ्री, इसका वैल्यू आ गया माइनस टू, ठीक है। उसी तरह से ये ए फोर, ए फोर में हो जाएगा ए थ्री प्लस में डी, ए फाइव में होगा ए फोर प्लस डी, तो इसमें हो जाएगा ए थ्री, देखिए कितना ए थ्री का वैल्यू है, माइनस टू, माइनस टू प्लस में माइनस थ्री, ये हो जाएगा माइनस टू माइनस थ्री, ये मिल के हो जाएगा, जब इसका सम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस फाइव। अब लास्ट वाला है जो है हमारा ए फोर, ए फोर की वैल्यू दी गई है हमें माइनस फाइव, तो ए फोर की जगह हम माइनस फाइव लिखेंगे, माइनस फाइव प्लस में ये माइनस थ्री डी की वैल्यू, तो ये इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ऐसे होगा माइनस फाइव माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस एट। अब देखिए ये चारों हमारे पास आंसर आ चुका है, चारों टर्म्स, तो इसको लिख देंगे, आंसर हो गया हमारा। अब इसी तरह के और भी एक दो क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा, सेम इसी तरह से काम करना है। ए टू फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है, ए थ्री फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है, ए फोर फाइंड करने के लिए ये, और ए फाइव के लिए ये चारों फॉर्मूला आप रख दीजिएगा। ये इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, ज़्यादा शक्तिमान वाली बात नहीं है। ए फोर फाइंड करना है तो इसके पहले वाला टर्म हम लोग डी ऐड करते हैं, ठीक है, मतलब वॉट एवर यू हैव फाइंड उसके पहले वाला टर्म जोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है, बाकी आप कर लीजिएगा, फिर आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है, तो इसमें हमें दिया है फॉर द फॉलोइंग ए पीज, मतलब नीचे हमें तीन चार ए पी की टर्म दी गई है, सीक्वेंस दी गई है, वो ए पी में है, पहले से है, तो राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, मतलब सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म यानी कि ए और कॉमन डिफरेंस डी, इन दोनों की वैल्यू दी गई थी, बाकी चीज़ें हमें फाइंड करनी थी, बट इसमें उल्ट उसके ठीक ऑपोजिट कर दिया, ए और डी फाइंड करना है, लेकिन हमें सीरीज गिवन है, तो ए और डी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, देखिए ए मतलब होता है ये फर्स्ट टर्म, ठीक है, जो भी सबसे पहले है ए पी में, सबसे पहले जो है वो ए की वैल्यू हो जाती है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, थ्री। अब बात रही डी फाइंड करने की, तो डी कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए डी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है ए टू माइनस ए वन, ठीक है, ये हो गया ए टू, ये ए टू हो गया, ये हो गया ए थ्री, और ये हो गया ए फोर, ठीक है, ये हमारी ए वन ए टू ए फोर की वैल्यूज हो गई। अब डी करने के लिए ए टू माइनस ए वन करेंगे, तो ए टू हमारा है वन, तो क्या करेंगे, वन माइनस थ्री, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस टू। अब डी की वैल्यू हमारी सही है, इसके लिए हम एक बार और डी फाइंड करते हैं, तो इसको डी वन कर देंगे और डी टू फाइंड करेंगे ए थ्री माइनस में ए टू, अगले वाले टर्म से ए थ्री माइनस ए टू, ये आप ध्यान रखिएगा, बाद वाले टर्म से पहली वाले टर्म को माइनस करना है, ठीक है, जैसे कि थ्री तब टू आया, तो ए थ्री है हमारा माइनस वन, माइनस ये भी है हमारा माइनस वन, तो ये आ गया माइनस टू, मतलब कि डी जो है हमारा वो सही आ रहा है, दोनों जगह सेम आ रहा है, माइनस टू एंड माइनस टू, तो यहाँ लिख देंगे हेंस, नीचे लिख देंगे ए की वैल्यू जो हमें मिली है, ए मिला है हमें थ्री और डी मिला है हमें माइनस टू, तो यही दोनों हम आंसर लिख देंगे, ठीक है, यही दोनों हमारा आंसर हो गया। अब चलिए इसके सेकेंड पार्ट में आपको बताता हूँ, तो ये देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, माइनस फाइव माइनस वन थ्री और सेवन, ये चार टर्म हो गए हमारी ए पी की, जिसमें से ये हो गया ए वन, ये ए टू, ये ए थ्री और ये ए फोर, तो इसमें से हमें ए और डी की वैल्यू बतानी थी, तो ए पहली वाली हो जाएगी, तो ए का वैल्यू हो जाएगा माइनस फाइव। अब डी फाइंड करना है, तो लिखेंगे डी वन यहाँ पर और नीचे में लिखेंगे डी टू, दो सौ डी फाइन करेंगे और देखेंगे दोनों इक्वल है तो ये हमारा ए पी में होगा, एक बार चेक करने के लिए हम दो बार फाइन करते हैं, तो पहले वाले में क्या हो जाएगा डी वन ए टू माइनस में ए वन, तो यहाँ लिखेंगे ए टू माइनस ए वन और इसमें हो जाएगा ए थ्री माइनस में ए टू,
बाद वाली टर्म से पहली वाली टर्म को माइनस करना है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें हो जाएगा ए टू हमारा माइनस वन है, माइनस वन माइनस में माइनस फाइव, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस वन प्लस फाइव तो ये हमारा आ जाएगा फोर। उसी तरह से सेकंड में ए थ्री में मतलब कि थ्री माइनस ये है माइनस वन, तो इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे माइनस वन को, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट्स निकल कर थ्री प्लस वन, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है, तो इसका भी आ गया फोर। अब यहाँ देखिए दोनों डी के वैल्यू इक्वल है, तो लिख देंगे नीचे हेंस हेंस ए इज इक्वल टू माइनस फाइव एंड जो हमारा डी हो जाएगा वो है फोर, तो यही दोनों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन में, तो देखिए थर्ड पार्ट आ गया सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, जिसमें से ए वन है हमारा वन बाई थ्री, ए टू है फाइव बाई थ्री, ए थ्री है नाइन बाई थ्री एंड जो ए फोर है वो है थर्टीन बाई थ्री। इस बार हमें फ्रैक्शन के रूप में ए पी मिल गई। अब ए फाइंड करेंगे तो ए हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ए वन हो जाएगा मतलब कि ए हो जाएगा वन बाई थ्री। अब हमें डी फाइंड करनी है, तो डी दो टू फाइंड करेंगे, डी वन और एक जो होगा वो डी टू। तो डी वन में क्या लिखेंगे हम लोग, ए टू ये ए टू है, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है, ए टू माइनस ए वन, तो ए टू माइनस ए वन और यहाँ हो जाएगा ए थ्री माइनस ए वन। ए वन लिखिए या ए लिखिए, दोनों एक ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो इसको जब हम करेंगे तो ए टू माइनस ए वन मतलब कि फाइव बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री, तो ये हो जाएगा फोर बाई थ्री। आप माइनस करके देख लीजिएगा, ये फोर बाई थ्री हो जाएगा और ये ए थ्री माइनस ए वन है, ए थ्री है नाइन, सॉरी ए थ्री है नाइन बाई थ्री और ए टू है फाइव बाई थ्री, नाइन बाई थ्री माइनस फाइव बाई थ्री, तो ये भी हो जाएगा नाइन में से फाइव जाएगा तो ये हो जाएगा फोर बाई थ्री। मतलब कि जो डी हमारा है वो सेम आ चुका है, देखिए सेम है दोनों, तो यहाँ लिख देंगे नीचे हेंस ए की वैल्यू ए बराबर वन बाई थ्री एंड जो डी इज इक्वल टू फोर बाई थ्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। अब देखिए ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इसमें ए पी दिया है डेसिमल में, मतलब 0.6, 1.7, 2.8 और जो है 3.9, ये हो जाएगा ए वन, ये ए टू, ये ए थ्री और ये ए फोर। तो ए की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से, क्या हो गया वो 0.6, ए का वैल्यू 0.6 हो गया। अब डिफाइन करना है, तो देखिए डिफाइन करने के लिए ए टू माइनस ए वन करते हैं, ए टू माइनस में ए वन, तो ये हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6। जब इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 1.1। तो यहाँ नीचे लिखेंगे हेंस ए इज इक्वल टू 0.6 एंड जो हमारा डी होगा वो हो जाएगा 1.1, यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो मैं अब ख़त्म करता हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो एक और क्वेश्चन बचता है फाइव नंबर, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, और आपको जो भी डाउट रहता है आप कमेंट कर दीजिएगा मुझे अपने डाउट्स, मैं उनको पूरे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में।